हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो और एक नए लैपटॉप के साथ। आज हम लेके आए हैं लिनोवो का न्यूली लॉन्च योगा 7। जी हाँ, लिनोवो ने लॉन्च कर दिया है योगा 7 का अपग्रेड वर्जन, जो है i7 13 जनरेशन में। जी हाँ, ये है योगा 7 13 जनरेशन, 16GB रैम और 512GB की SSD के साथ, साथ में टच स्क्रीन है। आज हम इस लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके फीचर्स देखेंगे, इसका रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। इस लैपटॉप को भी हम आपको खोल के दिखाएंगे, इसका वेट, इसकी सारी डिटेल हम देखेंगे। लिनोवो ने अपने इस नए लैपटॉप में आपको क्या क्या दिया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं यही कहूंगा, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आगे भी हम नई नई लैपटॉप की वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे और हम हर लैपटॉप को कोशिश करते हैं कि उसका बैक पैनल भी आपको ओपन करके दिखाएं क्या क्या ऑप्शन है अपग्रेडेशन की। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, करते हैं लैपटॉप को अनबॉक्स और देखते हैं लैपटॉप के बॉक्स में लिनोवो ने क्या क्या दिया। तो दोस्तों लैपटॉप हमने अनबॉक्स कर लिया है, देखते हैं लैपटॉप में हमें क्या क्या मिला है। एक ये है पेन, क्योंकि टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन के साथ लिनोवो हमेशा पेन देता है। 65 का पावर एडेप्टर है, 65 वॉट का, टाइप सी है तो चार्जिंग जो है वो फास्ट होगी और प्रीमियम पावर कोड। ये है दोस्तों हमारा लैपटॉप। देखिए सबसे पहले मैंने लैपटॉप खोला है तो एक तो बिल्कुल ही डिफरेंट कलर का है जो लिनोवो ने लॉन्च किया है लैपटॉप, बड़े डिफरेंट कलर में लॉन्च किया है। आपको मैं इसमें शायद बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिखा पाऊंगा कलर, लेकिन मैं आपको बता दूं जो कलर है टाइटल टील कलर है। लैपटॉप का बड़ा ही स्लीक डिजाइन दिया है लिनोवो ने, अपने योगा को और बेटर किया है इस सीरीज के अंदर। अगर आप देखेंगे इसकी थिकनेस देखेंगे बहुत कम कर दी है, बहुत लाइट वेट कर दिया है। अगर मैं इसकी वेट की बात करूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.49 केजी का है लैपटॉप। लैपटॉप एक हाथ से उठा के देखते हैं, एक हाथ से ओपन हो गया है, हल्का सा नीचे से ओपन हुआ था। जैसा कि आपको पता है कि लिनोवो के मोस्टली लैपटॉप जैसे हम लीड ओपन करते हैं तो पावर ऑन हो जाते हैं, इसकी पावर ऑन हो गई, लेकिन अभी ये पहली बार ओपन हो रहा है तो हमें 10 मिनट लगेंगे इसको सेटअप करने के लिए। इससे पहले मैं आपको इसके पोर्ट्स दिखाता हूं और फिर देखेंगे लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन। लैपटॉप के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो हमें जो है USB 3.2 और दूसरा है हमारा माइक्रो SD कार्ड रीडर का, और एक साथ में और आपको दिखाई दे रहा है वो है पावर बटन लैपटॉप को ऑन करने के लिए। आपको सबसे पहले दिखाई देगा लैपटॉप के राइट साइड में HDMI 1.4, उसके बाद दो पोर्ट दिखाई देंगे आपको टाइप सी। जो ये पोर्ट है दोनों थंडरबोल्ट है, आप इससे लैपटॉप को चार्ज भी कर सकते हैं, इसके साथ आपको टाइप सी चार्जर ही मिलता है। तीसरा पोर्ट जो आपको दिखाई देता है वो है 3.5mm का ऑडियो जैक। तो आइए दोस्तों देखते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लिनोवो ने अपने लैपटॉप में क्या आपको बेस्ट देने की कोशिश करी है। सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू की, तो सीपीयू आपका है 13 जनरेशन इंटेल कोर i7 1360p। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा लिनोवो ने इस लैपटॉप में पी प्रोसेसर दिया है। नॉर्मली आप देखते हैं यू प्रोसेसर होता है, पी की जो परफॉर्मेंस होती है वो ज्यादा अच्छी होती है यू से। अगर हम बेस स्पीड की बात करेंगे तो वो 2.2 GHz है, लेकिन टर्बो बूस्ट होके जो मैक्सिमम इसकी क्लॉक स्पीड है वो आपकी 5 GHz तक जाती है। कोर की बात करेंगे तो 12 कोर का प्रोसेसर है, लेकिन ये याद जरूर रखिएगा आप लैपटॉप लेते समय कि 12 कोर में से 4 सिर्फ परफॉर्मेंस कोर है, 8 एफिशियंट कोर है, और जो हमारी 5 GHz तक स्पीड जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस कोर की जाएगी। एफिशिएंट कोर की जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है वो 3.7 GHz तक रहेगी। अगर हम लॉजिकल प्रोसेसर की बात करेंगे तो वो आपको इसमें 16 मिलते हैं और L3 कैशे जो इसमें मिलती है आपको है 18 MB की। मेमोरी की बात करते हैं, 16GB की इसमें रैम है, LPDDR5 इसमें रैम लगी हुई है, स्पीड 5200 MHz की है, और स्लॉट की बात करेंगे तो 8 हैं और 8 के 8 यूज्ड हैं। बेसिकली 8 इसमें स्लॉट नहीं है, इसमें ऑनबोर्ड रैम है, 8 चिप लगी हुई है, तो इसीलिए ये 8 के 8 दिखा रहा है। इस रैम को आप अपग्रेड कर नहीं सकते। इस लैपटॉप को भी ओपन करेंगे फिजिकली, फिर आपको दिखाएंगे इसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है। डिस्क की बात करते हैं, हाइनेस की डिस्क है 512GB की, जिसकी कैपेसिटी आपको मिलती है 477GB। इसमें अभी हमने इसमें नेट ऑन नहीं किया है तो आपको ये वाईफाई नहीं दिखा रहा है, लेकिन वाईफाई मैं आपको बता देता हूँ, वाईफाई इसमें 6E है और ब्लूटूथ इसमें 5.1। ग्राफिक्स की बात करते हैं, इंटेल आयरिस XE ग्राफिक्स आपको मिलता है, इसमें अपना डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं है, इंटेल का प्रोसेसर है तो इंटेल के प्रोसेसर के अंदर भी अपना कोई भी
ग्राफिक्स की मेमोरी नहीं होती है जैसे कि एएमडी के अंदर आती है, आपने देखी है, इंटेल में आपको नहीं मिलती है। शेयर्ड जीपीयू है सिर्फ 7.9 GB का, ये ध्यान रखिएगा, इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं है, इंटेल आयरिस एक्सी ग्राफिक्स आपको इसमें मिलता है। अभी तक जो आप वॉइस सुन रहे थे कॉन्फ़िगरेशंस की, वो वॉइस हमने इसी लैपटॉप के माइक से रिकॉर्ड की थी। हमारा रिकॉर्ड करने का मेन मोटिव यही होता है कि आपको इसकी माइक की क्वालिटी भी पता चल जाए। दोस्तों अगर इसकी स्क्रीन की बात करेंगे तो 14 इंचेस की स्क्रीन है, 2.8K OLED आपको इस पे डिस्प्ले मिलता है, जिसके रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो 2880x1800 आपको इसका रेजोल्यूशन मिलता है। ग्लॉसी स्क्रीन है 400 निट्स के साथ, और अगर मैं इसके RGB की बात करूंगा तो 100% RGB है और 90 हर्ट्ज की आपको मिलती है। नॉर्मली 60 हर्ट्ज की आती है, इसमें लिनोवो मैंने 90 हर्ट्ज की स्क्रीन दी है, TUV लो ब्लू लाइट के साथ। और आपको बता दूं, जैसे पहले भी हम बात कर चुके हैं, ये टच स्क्रीन के साथ आपको लैपटॉप मिलता है, तो जो स्क्रीन है वो टच स्क्रीन है। कैमरा देखें तो इसमें लिनोवो ने फुल HD 1080p विद IR प्राइवेसी शटर के साथ आपको कैमरा दिया है। इसमें आपके पास इसमें प्राइवेसी शटर है, लिनोवो ने इसमें प्राइवेसी शटर दिया है, अगर आप कैमरे को यूज नहीं कर रहे हैं तो कैमरा ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों समय आ गया लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करने का। इतना कॉस्टली लैपटॉप है, आपके लिए ही हम सिर्फ लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये एक लैपटॉप हमें कंपनी से मिलते हैं और जब हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं तो ये लैपटॉप कंपनी के पास ही वापस चले जाते हैं, क्योंकि कई बार व्यूअर्स पूछते हैं कि आप ये करते क्या है जब लैपटॉप ओपन कर लेते हैं, नए ब्रांड न्यू लैपटॉप होते हैं उसके बाद क्या करते हैं। तो दोस्तों लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है, देखिए लैपटॉप हमारा ओपन हुआ है, ये देखिए जितना बड़े में हमारे सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उतने में ही हमारी बैटरी भी लगी हुई है। सबसे पहले बैटरी की बात करते हैं तो खोल के हमें सबसे पहला पार्ट बैटरी दिखाई दिया। बैटरी में आपको बता दूं इसके अंदर 71 वर्क आवर्स की बैटरी है, 4 सेल की यानी 4 सेल की बैटरी है। और इसकी खास बात है कि आप अगर 15 मिनट भी इस लैपटॉप को चार्ज करेंगे तो ये 2 से 3 घंटे तक आपको पावर बैकअप दे देगी। कंपनी क्लेम करती है इस लैपटॉप में पावर बैकअप नॉर्मली अगर आप यूज कर रहे हैं मोबाइल मार्क 2018 200 निट्स के ऊपर तो 11 घंटे का आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा, या आप लोकल वीडियो अगर देख रहे हैं 1080p की 1450 निट्स के ऊपर तो नॉर्मली आपको 15 से 16 घंटे बैकअप मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं नॉर्मली बात करूं जो आप वर्क करते हैं तो आपको इसमें आराम से 8-10 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये तो बैटरी की बात थी, आगे देखते हैं। ये हमारा है फैन, यहां पे हमारा प्रोसेसर लगा हुआ है, यहां पे लिनोवो ने सब कुछ कवर कर रखा है। मैं फिर भी आपको थोड़ा सा कोशिश करता हूं दिखाने की। अगर आप यहां पे देखते हैं तो यहां पे हमारा वाईफाई कार्ड लगा हुआ है और यहां पे हमारी लगी हुई है SSD। अगर आप यहां देखेंगे यहां पे SSD लगी हुई है, और इसके अंदर जब हमने देखा था कि रैम की ऑनबोर्ड चिप्स है वो भी यहीं पे इंस्टॉल्ड है, रैम की ऑनबोर्ड चिप्स जो आप अपग्रेड नहीं कर सकते, यहाँ पे हमारे इसके अंदर दे रखे हैं स्पीकर्स। तो दोस्तों आज हमने ओपन किया है लिनोवो का योगा 7, जो लिनोवो ने हाल ही में लॉन्च किया है अपना i7 13 जनरेशन के साथ। अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो सबसे पहला तो इसका जो कलर है वो ही एक बड़ा अट्रैक्टिव कलर है, 360 डिग्री है, टच स्क्रीन के अंदर है, इसके साथ पेन आता है जो आप यूज कर सकते हैं इस पे ड्राइंग करने के लिए, या आपने कुछ भी नोट्स बनाने हैं, काफी चीजें होती है जो लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी स्टाइल की बात करेंगे तो 14 इंच का डिस्प्ले है, लेकिन आपको 14 इंच का डिस्प्ले इसका फील नहीं होगा, आप फील करेंगे तो 13.3 इंच है, बहुत ही नैरो बेजल के अंदर लिनोवो ने ये लैपटॉप आपको दिया है। अगर आप एक्स्ट्रा कैरी बैग नहीं यूज करना चाहते तो जो आप बैग यूज करते हैं नॉर्मली लेदर का हो आप इसको इस पे कैरी कर सकते हैं। अगर हम लैपटॉप के यूसेज की बात करेंगे तो देखिए i7 13 जनरेशन है, आप इसमें कोई भी वर्किंग करना चाहे वो सब कर सकते हैं। स्पेशली इसके अंदर जो स्क्रीन है ऑलिड स्क्रीन है और sRGB रेशियो जो है वो 100% है। अगर आपने कोरल फोटोशॉप का भी काम करना है इसमें आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीन साइज 14 इंच है ये जरूर याद रखिएगा। अगर जब हम कभी भी कोरल फोटोशॉप यूज करते हैं तो नॉर्मली हमें ग्राफिक कार्ड की जरूरत होती है डेडिकेटेड, जो इसमें नहीं है, लेकिन इसके अंदर अगर आप कोरल फोटोशॉप यूज करेंगे आपको कलर क्लैरिटी जरूर एग्जैक्ट मिलेगी। देखिए जिस प्राइस बैंड में लिनोवो ने इस लैपटॉप को लॉन्च किया है उसके अंदर ये बहुत ही बेटर ऑप्शन आपको
मिलती है। मैं इसका प्राइस भी बता दूं, ये प्राइस, ये लैपटॉप आपको मार्केट के अंदर 1 लाख से 1 लाख 10 हजार के बीच में आपको मिल जाएगा। देखिए 1 लाख 10 हजार के अंदर इतना लाइट वेट लैपटॉप 14 इंची के अंदर i7 13। हाँ, इसमें एक चीज मुझे जरूर कमी दिखाई दी, जब हम 1 लाख के आज की डेट में प्राइस बैंड में जा रहे हैं तो कंपनी को उसमें 1 TB SSD दे देनी चाहिए थी, क्योंकि आज की डेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है 512 GB और 1 TB SSD के अंदर। तो यहां पे मुझे सिर्फ इस लैपटॉप के अंदर एक कमी दिखाई दी है, अदरवाइज मैं इस लैपटॉप को मैं देख रहा हूं तो मुझे कहीं भी, अगर आप इसकी क्वालिटी मूव की बात करेंगे, देखिए मैं मूव कर रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है कि ये 360 डिग्री, और वॉबलिंग की बात करेंगे तो वॉबलिंग बहुत ही ना के बराबर है इसमें, थोड़ी बहुत जैसे अगर आप बिल्कुल छोड़ देंगे, बिल्कुल फ्रीली यू कर दिया तो है, अदरवाइज अगर आप जैसे मैं यूज कर रहा हूं जहां पे भी मैं इसको छोड़ रहा हूं वहां पे वो रुक जा रहा है। तो मेरे को इस लैपटॉप में और कहीं कोई खास कमी नहीं दिखाई दी है। और मैं एक बात और बता दूं, लिनोवो इसके साथ 1 ईयर की वारंटी दे रहा है विद एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन के साथ। जी हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि पहले हमें एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन लेनी पड़ती थी, लेकिन लिनोवो ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है और अब 1 साल की वारंटी के साथ वो एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन देने लगा है। अगर आपको ये नहीं पता एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन क्या होती है तो मैं आपको बता देता हूं। अगर सपोज करिए 1 साल लैपटॉप में कहीं भी कोई ब्रेकेज आ जाता है, सपोज स्क्रीन ब्रेक हो जाती है या आपका लैपटॉप ब्रेक हो जाता है कहीं से भी, तो भी लिनोवो उसको कवर करता है और आपको वारंटी देता है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते उस पार्ट्स को रिप्लेस कराने के लिए। और हाँ, अगर आप वारंटी एक्सटेंड भी कराना चाहते हैं तो भी एक्सटेंड करा सकते हैं, लिनोवो उसके लिए 2999 लेता है। जब आप लिनोवो के एक्सक्लूसिव स्टोर पे जाएंगे तो वहां पे आप एक्सक्लूसिव से जरूर पूछ लीजिएगा, मोस्टली लिनोवो का रेट सेम रहता है 2999, जिसमें लिनोवो आपको 1 ईयर से 3 ईयर वारंटी एक्सटेंड कर देगा। और 3 के 3 साल जो वारंटी होगी वो एक्सीडेंटल होगी, आपको 3 साल तक लैपटॉप पे 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो लैपटॉप में कुछ पार्ट्स खराब हो या लैपटॉप के अंदर कहीं भी कोई ब्रेकेज आए। मैं आपको एक बात और बता दूं, आपको कभी भी एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन या एक्सटेंडेड वारंटी कभी भी आपकी आपको लेनी हो तो हमेशा लिनोवो के एक्सक्लूसिव स्टोर से ही लीजिएगा, क्योंकि बाकी जगह क्या होता है, मोस्टली लोग थर्ड पार्टी आपको एक्सटेंडेड वारंटी दे देते हैं, वो कभी भी आपको नहीं मिलेगी, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि वो आपसे 5,000, 6,000, 4,000 कुछ भी ले लेंगे। देखिए लिनोवो ने इतना अट्रैक्टिव प्राइस रखा हुआ है 2,999, बहुत ही बेस्ट प्राइस में आपको एक्सटेंडेड डैमेज प्रोटेक्शन देते हैं, तो इसीलिए कभी भी आप बाहर से बिल्कुल भी मत लीजिएगा, जब भी एक्सटेंडेड वारंटी आपने लेनी हो हमेशा लिनोवो से ही लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और हमें कोई पार्ट कवर करना रह गया हो तो वो भी आप हमें जरूर बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उस पार्ट को भी कवर करने की। हम ये चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, एटलीस्ट जिस मॉडल की हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसी वजह से हम बैक पैनल भी ओपन करते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर आज की डेट में कहीं भी आप जाते हैं आपको ये नहीं पता होता कि अपग्रेड होगा या नहीं होगा, आप इस डाउट में ले आते हैं कि हम फ्यूचर के अंदर उसको अपग्रेड करा लेंगे, और पता चला फ्यूचर में जब आप अपग्रेड कराने चाहते हैं तो वो लैपटॉप अपग्रेड नहीं हो पाता। तो इसलिए दोस्तों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है बैक पैनल ओपन करके आपको दिखाने की। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, आगे भी हम नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए लैपटॉप के साथ। जय हिंद।